आज हम एक कप डिजाइन करेंगे, टी कप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इस टी कप को डिजाइन करने में क्या क्या बेसिक शेप्स यूज होंगे, आज हम उनको भी देखेंगे और उनको यूज करके हम एक मॉडल को डिजाइन करके फाइनल करेंगे। तो एक नया सीन हमें चाहिए यहाँ से। तो अभी ये ग्रिड आप देख रहे हो कि कैसे थोड़ा टिल्टेड आ रही है। अगर ऐसी आपकी भी ग्रिड आ रही है तो आपको इस क्यूब के पास चलना है, ये डाउन एरो आ रहा है, यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना है तो आपकी ग्रिड सही हो जाएगी। अगर आपकी ग्रिड पहले से ही सही आ रही है तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब कप बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक उसके बॉडी के लिए एक शेप बनाना है। तो यहाँ पर हम शेप लेंगे सिलेंडर, तो सिलेंडर को क्लिक करते हैं और फिर ग्रिड को क्लिक करना है। ये होम बटन पे क्लिक करेंगे वापस से। जो हमारा शेप है इसका साइज हम बड़ा करेंगे, तो इस एरो से हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और बाहर क्लिक करेंगे। फिर से इस मॉडल को क्लिक करेंगे और मूव टूल में जाके हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहे हैं। एक बार फिर से होम बटन को क्लिक कर लेंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अंदर होल नहीं है, इसके होल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस मॉडल को क्लिक करेंगे और फिर ऊपर वाले सरफेस पे क्लिक करेंगे। एक आइकन आ रहा है, इस आइकन में लास्ट में एक सेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है, ये जो थिकनेस आ रही है, इसकी वैल्यू करनी है 2 और बाहर क्लिक करेंगे। अभी आपका बीच में देखिए स्पेस क्रिएट हो गया है। अब आपको इसका हैंडल और लगाना है। तो हैंडल लगाने के लिए हमें क्या करना है, बेसिक शेप्स में फिर से आपको जाना है और यहाँ से आप इस टॉरस वाले बेसिक शेप को, 3D शेप को क्लिक कर लेंगे। आप इसको ग्रिड पर क्लिक करें। इससे पहले आपको अभी क्लिक नहीं करना है ग्रिड के ऊपर, आप नीचे देखो मेजर रेडियस और माइनर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है, तो मेजर रेडियस में आपको करना है 20 एंड 30, सॉरी आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है हैंडल को। और फिर अपने कीबोर्ड का टैब बटन जो है, TAB टैब बटन, ये कैप्स लॉक के ठीक ऊपर आता है, आप उसको इसको क्लिक करेंगे तो ये माइनर रेडियस मेजर रेडियस जो है इस पे जंप करता है। तो आपको जो माइनर रेडियस है इसको बढ़ा के, बड़ा करके आपको 5 करना है ताकि हैंडल की थिकनेस बड़ी हो जाए। फिर आप बाहर क्लिक कर सकते हो और मॉडल को अब सिलेक्ट करना है। यहाँ से मूव टूल को क्लिक करना है और इस मॉडल को आपको रोटेट करना है। ये वाला सर्किल जो है इस पे क्लिक करके 90 डिग्री इसको रोटेट करना है। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो 90, ताकि वो इस टाइप से वर्टिकल हो जाए। अभी ये नीचे डाउन एरो जो दिख रहा है, इस एरो से आप इसको हैंडल को ऊपर ला सकते हो। अब ये हैंडल काफ़ी बाहर है, हम इसको बाहर क्लिक करेंगे। इस मॉडल को फिर से सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ओवल शेप में चाहिए हमें। उसके लिए हम स्केल टूल को क्लिक करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर अनयूनिफॉर्म आ रहा है, हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। हमें यहाँ पर 3 एरो मिलेंगी, हम इस एरो का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा अंदर की साइड में पुश करेंगे जिससे इसका शेप हमें थोड़ा सा ओवल में मिलेगा। अब हम इसको मॉडल को क्लिक करेंगे और मूव टूल पर क्लिक करेंगे। इस एरो से हम इस को अंदर की साइड में पुश कर देंगे यहाँ पर और भी, पर अभी ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो बाहर क्लिक करके हम इस मॉडल को फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक स्केल का ऑप्शन आ रहा है, इस स्केल को हम अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि ये मॉडल थोड़ा सा छोटा हो। अब ये इसमें फिट हो गया है पर ये अंदर के साइड में भी जा रहा है, इसको कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना मॉडिफाई में और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्प्लिट सॉलिड का, इसको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको इस हैंडल को क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्प्लिटिंग एंटिटी पे क्लिक करना है और फिर इसके अंदर जा करके हमें अंदर वाले शेप को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को हिट करेंगे, अब आप देखो कि ये पार्ट इसका कट के अलग हो चुका है, इसको हम डिलीट कर लेंगे सिलेक्ट करके। इस तरह से ये मॉडल हमारा कप में कन्वर्ट हो गया है। तो आप होम बटन पे एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं, ये मॉडल आपका रेडी है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप इन लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करेंगे और ये लाइन आ रही है
शिफ्ट के साथ में एक से ज़्यादा लाइन अगर आपको सिलेक्ट करनी है, और फिर ये आइकन आ रहा है, इस आइकन में फिलेट का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, तो आप वन कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर सकते हैं। अब आपका जो कॉर्नर था ये राउंड हो चुका है, आप इसी टाइप से नीचे भी कर सकते हैं। आप पहले मॉडल को क्लिक करेंगे, फिर ये कॉर्नर वाली लाइन को क्लिक करेंगे और इस आइकन के ऊपर जाके इस बार आपको फिलेट नहीं करना है, इस बार आपको चैम्फर करना है। यहाँ पर वैल्यू आप देंगे 2, तो जिससे आपको थोड़ा सा ये कप स्लैंट हो जाएगा, डिज़ाइन लुक में आ जाएगा, पहले से अच्छा लगेगा। अब लास्ट में हमें इसको कलर करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर मटेरियल में जाना है और फिर मटेरियल में यहाँ पर अप्लाई ओवरले पे चेक लगाना है। जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। हैंडल का कलर आपको सेम रखना है या यहाँ से कलर चेंज करना है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आपने एक कप बनाया और कप को कैसे बेसिक शेप्स लेकर बनाया वो आपको देखना है। घर के लिए होमवर्क आपके लिए ये है कि जितने भी बेसिक शेप्स हैं आपको ये बॉडी और ये हैंडल अलग अलग शेप से बनाना है, तो जिनका सबसे बेस्ट बनेगा वही विनर कहलाएगा। तो आपको ये सारे बेसिक शेप्स यूज़ करने हैं। कुछ मैंने ये सिलेंडर यूज़ किया, आप ये हेमी स्फीयर से बना सकते हो, आप ये बॉक्स से बना सकते हो, वेस से बना सकते हो, प्रिज्म से बना सकते हो, स्कोन से बना सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। तो जो भी शेप आप लोगे डिफरेंट डिफरेंट के डिजाइन बने। क्या स्टेप्स थे बनाने के हमने आपको बना के दिखा दिया। अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए मॉडल के साथ में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।